चलिए मध्य प्रदेश के गुना की बात करते हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर बीती रात इंदौर देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन में आरक्षित डब्बों में बैठने के लिए यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आरक्षण के बावजूद भी यात्री ट्रेन के भीतर दाखिल नहीं हो पा रहे थे, जिसके बाद यात्रियों ने पुलिस की मदद ली। गुना के यात्रियों ने इस ट्रेन में ग्वालियर, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून जाने के लिए अपने आरक्षण कराए थे, परंतु किसी भी यात्री को गुना से अपनी सीट नहीं मिली है। यही नहीं, यात्रियों को ट्रेन के अंदर भी नहीं जाने दिया गया। बता दें कि बहुत मुश्किलों के बाद रेलवे पुलिस के सहयोग से लोगों को ट्रेन में बैठाया गया है। दरअसल रविवार की रात इंदौर देहरादून एक्सप्रेस जब अपने निर्धारित समय रात्रि 1:50 पर गुना स्टेशन पर पहुंची, तो ट्रेन की हालत देखकर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के होश उड़ गए। ट्रेन से पहले ही पूरी भरी हुई थी। स्लीपर सहित वातानुकूलित कोचों में बिना रिजर्वेशन वाले यात्रियों ने कब्जा कर रखा था और सभी कोचों के गेट अंदर से बंद करके रखे थे। गुना से बैठने वाले यात्रियों ने अपने आरक्षित कोचों जाने की कोशिश की, लेकिन पहले ही बैठे लोगों ने अंदर से गेट नहीं खोला।